तो सभी किसान भाइयों का ब्रायलर मुर्गी पालन के 31वें दिन बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यदि मैं बात करूँ 30वें दिन की, 13th डे, तो उसकी वीडियो फ्रेंड मैं नहीं डाल पाया क्योंकि मैं किसी कारणवश जहाँ पर नहीं था। तो आज मैं आ चुका हूँ 31वें दिन, तो इस वीडियो में आपको 30वें और 31वें दिन दोनों दिन की हम जानकारी देने जा रहे हैं कि कौन कौन से हमने सप्लीमेंट यूज़ किया, कौन सी मेडिसिन ब्रॉयलर्स के लिए यूज़ की और क्या रहा था मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैं अपने बारे बता दूं कि मैं हूं सन्नी होशियारपुर पंजाब से और आप देख रहे हैं आपका ही अपना चैनल सन्नी पोल्ट्री। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करता हूं 30वें दिन से। तो 30वें दिन की बात करूं तो 13th डे मैंने सिर्फ इनको सादा पानी दिया था, कुछ इनके ड्रिंकिंग वाटर में कुछ नहीं दिया, बिल्कुल सिंपल पानी जो है अपने ब्रॉयलर्स को प्रोवाइड किया था। तो फ्रेंड्स, आ जाता हूँ आज के दिन पर, यानी कि 31वें दिन। तो 31st डे की मैं बात कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जो है इनको सिर्फ जो सुबह लिवर टॉनिक, जी हाँ बिल्कुल लिवर टॉनिक का यूज़ किया है। तो उसकी डोज है फ्रेंड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 ml 100 वर्ड के पीछे लिवर टॉनिक दे रहा हूँ। इसके अलावा कोई ग्रोथ प्रमोटर या कोई और सप्लीमेंट नहीं चलाया है। मैं आपको बार बार अपनी वीडियोस के माध्यम से यही कहता हूं कि आप जो उनको फीड दे रहे हैं, फीड की क्वालिटी यदि आपकी अच्छी है, आप उनको अच्छी फीड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर ज़्यादा आपको जो ग्रोथ प्रमोटर का विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए। क्योंकि यही यदि आपका वर्ड अच्छे से इसको डाइजेस्ट कर पा रहा है, उनकी ड्रॉपिंग अच्छी है, कोई ड्रॉपिंग को लेकर दिक्कत नहीं है, बीट अच्छी है, बीट में दाना नहीं आ रहा है, वो पिचकारी नहीं मार रहे हैं बीट के माध्यम से, तो कहने का मतलब है कि फिर आपके वर्ल्ड का डाइजेशन अच्छा है, इम्यून सिस्टम उनका अच्छा है, फिर हमें कोई ज़्यादा अपने तरफ से एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप यदि मैं बात कर लूँ मैनेजमेंट के बारे में, तो मैनेजमेंट में देख सकते हैं कि पंखे लगे हुए हैं, सुबह का ही टाइम है, तकरीबन 11 बज रहे हैं और जो मैनुअल ड्रिंकर्स में लीवर टॉनिक इनका चल रहा है। इसके अलावा मेरी गुजारिश ये भी है, क्योंकि आपको जहाँ पर मैं ये बता दूँ कि 2 दिन के बाद इनकी लिफ्टिंग होने वाली है, अपना माल मैं निकालने वाला हूँ, तो आधा माल जो उठ जाएगा पहली लिफ्टिंग में। जैसे कि पिछली वीडियो उसमें भी मैं क्लियर कर चुका हूँ कि आप जहाँ पर ये सुनिश्चित जरूर किया करें कि यदि आपका बर्ड पूरी तरह से हेल्थी है, तो ये माल निकालने से पहले आपने कम से कम 5 से लेकर 7 दिन तक कोई इनको एंटीबायोटिक ना दिया हो। क्योंकि हमने कंज्यूमर को अच्छा चिकन प्रोवाइड करना है, उनकी हेल्थ का भी हमें ध्यान ज़रूर रखना है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप यदि फॉरन की बात कर लूँ जहाँ पर, तो फॉरन में कोई ज़्यादा एंटीबायोटिक नहीं यूज़ किए जाते, वो सिर्फ डिपेंड रहते हैं हर्बल प्रोडक्ट्स पर। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इनकी रैकिंग अच्छे से करते रहें और पंखों का भी आपको जो है ज़रूर सेवन करना है यदि गर्मी बहुत ज़्यादा आपके शेड में रहती है। तो जहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि रात के टाइम एक मोर्टैलिटी भी थी, एक बर्ड मेरा मर चुका है वो रात के टाइम। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमारे जहाँ मोर्टैलिटी होती नहीं है। तो इस बैच की ही यदि फ्रेंड मैं बात कर लूँ तो लगभग फ्रेंड जो है 25 मेरे वर्ड इसमें पूरे बैच में अभी तक मर चुके हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 1100 वर्ड का मेरा ये बैच है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स के माध्यम से हम डे बाय डे ट्रेनिंग वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। तो जब ये हमारे वर्ड है वो 20-21 दिन के बाद मरना स्टार्ट होता है, तो वो बहुत ज़्यादा हमें चुभता है, क्योंकि ये हमारी फीड खाकर मर रहा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी होती है ब्रॉयलर फार्मिंग में। तो इस वीडियो में मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दे। कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर पूछ सकते हैं और हम आपके टॉपिक पर भी वीडियो बनाने की हर कोशिश करेंगे। सन्नी पोल्ट्री को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।